प्रायोरिटी जो है इन फंक्शनल ग्रुप्स की वो ऊपर से नीचे की तरफ है यानी जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे होती जाएगी। का यूज ये है कि जब आप नेमिंग कर रहे हो कंपाउंड्स की तो उसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप को आपको पहली प्रायोरिटी देनी है और जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना होता है तो एक बार जल्दी जल्दी हम लोग पहले फंक्शनल ग्रुप्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम इनका नेमिंग कैसे करते हैं वो बात करेंगे सो so, सबसे पहला है हमारे पास आर सी ओ एच दिस इज इसका नेम है एसिड। यानी कि एक कार्बन अगर होगा तो मिथेनोइक एसिड हो जाएगा दो कार्बन होगा तो एसिड, प्रोपेनोइक एसिड इस तरीके से कॉमन नेम हमने यूज किया है अल्केनोइक एसिड इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड और स्पेशल केस में कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मल केस में यूज करेंगे ओइक एसिड स्पेशल केस में यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जब प्रिफिक्स की तरह लिखना है इसे यानी कि सब्सटीट्यूएंट की तरह लिखोगे जब आप तो आप लिखोगे कार्बोक्सी यानी जब सीनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे तो ओइक एसिड लिखेंगे और जब इसे सब्सटीट्यूएंट की तरह यूज किया जाएगा तो कार्बोक्सी लिखना है अगला है आर एसओ थ्री एच दिस इज अलके सल्फोनिक एसिड एज अ सफिक्स इसको लिखते हैं सल्फोनिक एसिड एंड प्रिफिक्स में लिखेंगे सल्फो देन अगला है आर सी ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप तो इसका नाम हो जाएगा अल्केनोइक एनहाइड्राइड सफिक्स में लिखेंगे हम एनहाइड्राइड और स्पेशल केस में हाइड्राइड स्पेशल केस में लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड प्रिफिक्स में इसको नहीं लिख सकते प्रिफिक्स में नहीं लिखते इसको सिर्फ सफिक्स में लिखना है देन आता है आर सी ओ आर यह है एस्टर, एस्टर फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं अल्काइल, अल्केनोएट दैट इज सफिक्स में लिखेंगे इसे अल्केनोएट, नो भी कहते हैं इसको स्पेशल केस में और प्रीफ़िक्स में लिखेंगे एलकॉक्सी कार्बोनिल एलकॉक्सी कार्बोनिल नेक्स्ट है आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स एक्स यहां पे एक हेलोजन है और इसका नाम है अल्केनोइल हैलाइड हेलाइड और ऑयल हेलाइड स्पेशल केस में लिखेंगे कार्बोनिल इट प्रिफिक्स लिखोगे आप इसका हेलो देन आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू ओके दिस इज अल्केनामाइड लिखते चलिएगा आप साथ साथ अमाइड कॉमन केस में स्पेशल केस में लिखते हैं इसको कार्बोक्सामाइड एंड प्रीफिक्स है कार्बामोइल देन आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन दिस इज नाइट्राइल अल्केन, नाइट्राइल कहते हैं इसे नाइट्राइल एंड कार्बोनाइट्राइल दिस इज साइनो देन अगला है एल डी एल डी को एल आखिरी में लिखेंगे या फिर कार्बेल डी स्पेशल केस में यूज करते हैं इसके लिए फॉर्माइल और ऑक्सो यूज करते हैं जब इसको प्रेफिक्स में लिखते हैं नेक्स्ट वन है कीटोन सो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर दिस इज अलकेफिक्स में लिखेंगे ओन एंड ऑक्सो और कीटो एज प्रिफिक्स आर ओ एच इज अल्केनॉल ऑल होगा प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी आर एस एच इज थायोल सब फंक्शनल ग्रुप है ये थायोल एंड प्रीफिक्स में लिखते हैं इसको मरकैप्टो लिखेंगे तो इसको बोलोगे आप अमीनो तो इसके साथ फेमिलियराइज करना पड़ेगा आपको ये जितने हमने फंक्शनल ग्रुप देखे बारह फंक्शनल ग्रुप हैं बारह फंक्शनल ग्रुप आपको देखना है जिनका हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है कैसे यूज करना है किस तरीके से नेमिंग होगी वो आगे अभी हम बताएंगे यहां तक पहले नोट कर लो तो देखिए सीनियोरिटी वाइज अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा सबसे सीनियर है आर सी ओ एच मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फिर सल्फोनिक एसिड फिर एनहाइड्राइड है फिर एस्टर है फिर ऑयल हेलाइड है देन अमाइड नाइट्राइल एल्डिहाइड एल्डिहाइड के बाद कीटोन एल्कोहल थायोल एंड अमीन दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर और सीनियोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अब इनका नेमिंग कैसे करते हैं इसके रूल्स देख लेते हैं सो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड तो देखिए आप ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए आप आर सी ओ एच देख रहे हैं और ये इधर साइड चेन है तो ये जो सी ओ एच है ना दिस इज द फंक्शनल ग्रुप और बाकी ये पीछे बचा हुआ जो भी कार्बन का चेन है ये वाला ये है रेसिड्यू अब जनरली ये देखने को मिलेगा दैट फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो प्रॉपर्टी डिसाइड करता है कंपाउंड का कि किस तरीके के इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिसाइड करता है फंक्शनल ग्रुप और बाकी जो बचा हुआ है हिस्सा रेसिड्यू वो लेंथ डिसाइड करेगा और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इन सब में थोड़ा थोड़ा चेंज उसकी वजह से आएगा बट मेन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है इसलिए फंक्शनल ग्रुप जो है उसको आप देखते हैं कि यहाँ पहली प्रायोरिटी देते हैं तो सेलेक्शन ऑफ मेन चेन आप मेन चेन कैसे सेलेक्ट करें फंक्शनल ग्रुप में तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है कि आपको पहले पहचानना है सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है सीनियर फंक्शनल ग्रुप का आपके पेरेंट चेन में होना चाहिए अगर एक से ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो जितने पॉसिबल हैं उतने लीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए आपके चेन के अंदर दैट इज सिमिलर ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड्स को यानी कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स को और जितने मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीपल बॉन्ड हैं, उसको आपको लेना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी आपके पेरेंट चेन में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है वो भी सेलेक्ट कर लिया आपने तो अब आप उसके बाद अगली प्रायोरिटी आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होना चाहिए फिर आपके पेरेंट चेन में ये भी हो गया इसके बाद फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट्स लोकेंट्स यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स की बात हो रही है यहां पे फिर फिर आप देखेंगे लोएस्ट लोकेंट हो जाए और ये सब अगर हो गया है तो फिर आप देखेंगे एल्फाबेटाइजेशन सो so, पहली प्रायोरिटी है पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप हो गया फिर मल्टीपल बॉन्ड फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन फिर सब्सटीटेंट और सबसे आखिरी में आता है एल्फाबेटाइजेशन तो जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उस केस में हम फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन सब्सटीटूएंट और फिर एल्फाबेटाइजेशन ये होगा प्रायोरिटी ऑर्डर अब आपने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन कर लिया तो अब इनमें नंबरिंग कैसे करेंगे तो लिखें नंबरिंग Likho. The carbon atom bearing functional group is given lowest. सिबल नंबर यानी कि फंक्शनल ग्रुप को आपको लोएस्ट जहां जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको लोएस्ट नंबर देना है आपको अगर यह हो गया तो इसके बाद आप देखो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा अगर हम लोएस्ट लोकेंट की बात करें यानी लोएस्ट नंबर किसको पहले दिया जाए तो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दे दिया फिर आप मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर दोगे मल्टीपल बॉन्ड को भी लोएस्ट नंबर दे दिया तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देंगे और वो भी अगर आपने दे दिया है तो सबसे आखिरी में फिर सब अगर सेम हो गया तो एल्फाबेटाइजेशन लास्ट प्रायोरिटी ओके okay. यानी कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दो फिर मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है फिर को लोएस्ट नंबर देना है और वो भी हो गया तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आपको जाना है अगर सारे कंडीशन सेम रहे तो अब बात कर लेता हूं मैं इसके आगे कि आप फिर नेमिंग कैसे करेंगे तो नेमिंग के लिए एक पॉइंट जो ध्यान देना है वो लिखो नेमिंग इसके लिए जो जनरल स्कीम है द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप Constitutes secondary suffix and other junior functional group are written as. prefix इन alphabetical ऑर्डर तो जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेकेंडरी सफिक्स होगा और बाकी जितने जूनियर फंक्शनल ग्रुप है वो प्रिफिक्स में होंगे सो ऑर्डर जो था अगर आप फिर से याद करो तो सेकेंडरी प्रिफिक्स देन प्राइमरी प्रेफिक्स देन वर्ड रूट फिर आता था प्राइमरी सफिक्स और सबसे आखिरी में आता था सेकेंडरी सफिक्स तो ये जो सेकेंडरी सफिक्स की जगह है इस पर आपको लिखना है सीनियर फंक्शनल ग्रुप को और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप हैं उनको लिखा जाएगा एज अ सब्सटीट्यूएंट इन सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स तो साइक्लो के लिए था फिक्स्ड वर्ड रूट अपना पेरेंट चेन में कार्बन एटम को बताएगा प्राइमरी सफिक्स सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है उसको बताएगा अब सीनियर और जूनियर फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करने का तरीका यह है के जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो ऊपर होगा जो आपने टेबल देखा उसमें यानी के अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल से बताऊं एक कोई कंपाउंड है जिसके अंदर में आर सी ओ एच यानी सीओएच एच फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और एन एच एन एच टू है तो जो सीओ एच है वो मेरा सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा और जो सी ओ एन एच टू है वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा अगर ये लगा हुआ है और सी ट्रिपल बॉन्ड एन है और ये दो है तो एक ही सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा बाकी उसके अलावा उसके नीचे वाले जितने हैं वो सब जूनियर फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किए जाते हैं होप ये पॉइंट क्लियर होगा और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप हैं उनको आपको लिखना है कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यानी अल्फाबेटिकली आप अरेंज करते थे जिस तरीके से सब्सटीट्यूएंट को उसी तरीके से आपको यहां पे भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप को सब्सटीट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है फिर कोई उसमें प्रायोरिटी वगैरह नहीं, नहीं दी जाएगी सिर्फ एल्फाबेटिकली देख के आपको लिखना होगा अब फंक्शनल ग्रुप को भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर मैं लिखूं तो दो तरीके से इसको लिख सकते हैं एक होगा चेन टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप थे वो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी ओ एच जो लिखा था हमने देन इसके अलावा सी एच ओ एल डी हाइट दैन या इसको ऐसे लिखता हूं अलग अलग सी एच ओ दें सी ओ ओ आर एस्ट सी ओ एन एच टू सी ओ सी एल एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एन दीज आर द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नाम से समझ में आता है चेन को टर्मिनेट कर देगा एंड कर देगा यानी कि ये हमेशा नंबर वन पे लगे होंगे दूसरे होते हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग जो कहीं भी लग सकते हैं जैसे कि एसओ थ्री एच सल्फोनिक एसिड देन देर इज सी डबल बॉन्ड ओ ये था कीटोन, देन एल्कोहल ओ एच था NH2 एस एच एन एच टू दीज़ आर द नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अंतर ये होता है कि जितने चेन टर्मिनेटिंग वाले हैं उनमें एक स्पेशल नाम भी होता है जैसे कि आपने ये देखा था कि एच जो था इसका नाम था ओइक एसिड और इसका एक स्पेशल नाम भी था कार्बोक्सिलिक एसिड जबकि एसओ थ्री एच का एक ही नाम था सल्फोनिक इसका कोई स्पेशल नाम नहीं था तो जितने चेन टर्मिनेटिंग वाले हैं उनका एक नॉर्मल केस और एक स्पेशल केस होता है जबकि नॉन चेन टर्मिनेटिंग का सिर्फ एक ही केस होता है एक ही नाम होगा स्पेशल केस नहीं होता नॉन चेन टर्मिनेटिंग के लिए जबकि चेन टर्मिनेटिंग के लिए स्पेशल केस होगा नोट करिए जैसे ये था नाइट ट्रायल स्पेशल केस में कार्बो नाइट ट्राइल. चाहो तो आप यहां लिख लो चेन टर्मिनेटिंग जो होगा वो हमेशा एक नंबर होता है एक नंबर नंबर वन हमेशा फर्स्ट नंबर पे लगेगा हमेशा एंड पे लगेगा ओके okay, सो so अब आते हैं हम रूल्स पे फॉर नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रूल्स फॉर नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जैसे कि SO3H, OH, थ्री एच ओ एच एन एच टू एस एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड सो ऑन तो सबसे पहला रूल है पेरेंट चेन सेलेक्शन का पेरेंट चेन सेलेक्शन का रूल यह कहता है कि आपको इस तरीके से चेन सेलेक्ट करना है सच दैट फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसेचुरेशन आपके पेरेंट चेन में होने चाहिए लिख लो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मैक्सिमम अनसेशन सो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मैक्सिमम अनसेचुरेशन ध्यान देने वाली बात इतनी सी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो होना ही चाहिए मैक्सिमम अनसेचुरेशन भी होना ही चाहिए लॉन्गेस्ट चेन हो तो बढ़िया है नहीं हो तब भी चल जाएगा बट लॉन्गेस्ट चेन विथ फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए एग्जाम्पल के लिए इसमें हमें सेलेक्ट करना है सेलेक्ट द पेरेंट चेन एंड राइट द आई नेम ऑफ दिस कंपाउंड सो रूल क्या कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मैक्सिमम अनसेचुरेशन अनसेचुरेशन तो यहां है नहीं बट फंक्शनल ग्रुप है अब मैं काउंटिंग यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दे सकू तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव अब जरा देखो अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छ कार बनाते लेकिन मैंने इधर से लिया क्यों क्योंकि मेरा फंक्शनल ग्रुप पहली प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप होते हुए मैक्सिमम अनसेचुरेशन और मै लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है तो अब इसका नाम क्या होगा ये जो है दिस विल बी द सब्स्टिट्यूएंट नाउ अब इस सब्सटीट का नाम क्या है देखो दो कार्बन है दो कार्बन मतलब इथाइल और पेरेंट चेन था मेरे पास पांच कार्बन का तो दिस इज दो पे लगा हुआ है सब्सटीटेंट टू इथाइल देन पांच कार्बन का है तो पेंट एन पेंटेन वन ऑल टू इथाइल पेंटेन वन ऑल नोट कर लिया हमने देन आते हैं रोल नंबर टू पे रूल टू नंबरिंग सो नंबरिंग का रूल ये कहता है दैट नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड Of the chain which gives lowest locant to the principal functional group. इस तरीके से नंबरिंग करो उस तरफ से नंबरिंग करो सच दैट फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले फॉलोड बाय डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड यानी कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देने के साथ साथ आप कोशिश करिए कि आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी लोएस्ट नंबर मिल जाए लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी यह है कि आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना ही चाहिए ओके okay, एग्जाम्पल के लिए इस कंपाउंड का नेमिंग करो बताओ क्या नाम आना चाहिए तो अब देखो अगर मैं इस एंड से काउंटिंग करूंगा तो देखो वन टू थ्री फोर और इस एंड से काउंटिंग करूंगा तो वन टू थ्री राइट फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल रहा था इधर से जाते तो सब्सटीटेंट को लोएस्ट नंबर मिलता बट सब्सिट्यूएंट प्रायोरिटी नहीं है प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप यानी कि काउंटिंग जो होगी वो इधर से होनी चाहिए पहले वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अब फिफ्थ पे लगा हुआ देखा हमने एक कार्बन यानी कि मिथाइल अब इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है तो फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है वो है मैंने टेबल में लिखाया था देखिए तो ये था हमारे पास एल डी दिस इज कीटोन कीटोन है दोनों तरफ देखो दोनों तरफ आर आर ग्रुप लगे हैं मतलब दोनों तरफ कार्बन कार्बन लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे Alkanone, और सफिक्स में क्या लिखना है इसके लिए ओन इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो हम प्रिफिक्स वगैरह का नेमिंग कर लें तो यह है मिथाइल हो गया पेरेंट कार्बन में छह कार्बन है तो यह हो जाएगा हेक्स कोई अनसेन नहीं है तो हेक्सेन अब थ्री पे लगा हुआ है थ्री पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप और उसका नाम क्या हेक्सेन थ्री ओन फाइव मिथाइल हेक्सेन थ्री ओन ये हो जाएगा इसका नाम एक और एग्जांपल देख लो मान लो So, इस कंपाउंड का हमको करना है नेमिंग अब पहले तो हम नंबरिंग करें तो देखिए ओ एच फंक्शनल ग्रुप है तो उसको लोएस्ट नंबर देते हुए काउंटिंग करनी होगी तो यहां से शुरू करें वन टू थ्री फोर अब मैं नीचे जाऊं या इधर जाऊं तो फंक्शनल ग्रुप तो मैंने ले लिया पेरेंट चेन में मैं चाहता हूं मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए तो मैं इधर चला जाऊंगा फाइव सिक्स सेवन तो जब आप ये पेरेंट चेन लोगे तो आपको ये दिखता है दैट दिस विल बी नाउ द सब्सटिटेंट एंड दिस वन इज ऑल्सो द सब्सटिटेंट तो अब इसका नेम अगर आप करें तो ये हो जाता है फोर पे लगा हुआ है एक इथाइल फोर पे लगा हुआ है एक मिथाइल ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन कितने का है सेवन कार्बन का तो हेप्ट और उसके बाद फाइव पे लगा हुआ डबल बॉन्ड तो हेप्ट टू इन इधर जगह नहीं था तो नीचे लिख रहा हूं हेप्ट टू इन और ओ एच ओ एच फंक्शनल ग्रुप जो है इसको देखिए क्या लिखना है हमें ओ OH एच को लिखना है सफिक्स ऑल तो ये हो जाएगा हेप्ट टू इन और टू पे लगा हुआ है ऑल हेप इन टू ऑल ओके नेक्स्ट आते हैं हम रूल्स फॉर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रूल्स फॉर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप

टू सी एच इस कंपाउंड में अगर हम कहें कि नंबरिंग करो देन अगला अच्छा चेन टेटिंग होते कौन कौन से तो आप देखते हैं कि सी ओ ओ एच देन सी ओ एक्स सी ओ एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एन ओके देन अगला लिख रहे थे हम लोग सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच इसमें अगर हमें नंबरिंग करनी हो और तीसरा एग्जाम्पल लेंगे हम इसमें हमें नंबर करनी है तो फर्स्ट वन फंक्शनल ग्रुप लिखा सीओ एच इसको नंबर देंगे वन फिर इधर आएंगे हम टू फिर थ्री एंड फोर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना था फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए विथ मैक्सिममसेशन सेकेंड वन में आओ देखो, C OH है ये दिखा C-H-O लिखा है ये C-H-O C डबल बॉन्ड ओ एच वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें तो कुछ था ही नहीं सिंपल स्टेट चेंज जाएंगे लेकिन काउंटिंग कहां से होगी जहां जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा है अब इसमें देखो सी एन सी एन कौन सा है सी ट्रिपल बॉन्ड एन नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप तो यहां से काउंटिंग होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन इनके नेमिंग पे मैं आऊंगा फिलहाल हम लोग लिख लेते हैं नंबरिंग कैसे करनी नेक्स्ट पॉइंट वैन या रुको पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट द नेम फॉर बेनसिन

कई बार बेंजीन को हम इस तरीके से भी दिखाते हैं तो अगर बेंजीन है तो इसको एज अब्सिट्यूएंट हम लिखते हैं फिनाइल तो अगर बेंजीन रिंग या रिंग या फिनाइल में फर्दर सब्सटीट्यूशन है इस तरीके से तो कार्बन आइटम जो डायरेक्टली रिंग से जुड़े हुए हैं, वो लीस्ट पॉसिबल नंबर उनको देना है जैसे मान लो यहां पे एक सीओ एच है और एक सी एच थ्री है okay, तो हम ये जानते थे कि सी ओ ओ एच जो है ना ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसको तो लोएस्ट नंबर देना है लेकिन अब यहां पे इसको वन नहीं दे सकते यहां पे वन और यहां पे टू होगा तो इस केस में इसका नाम हो जाता है टू मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ओके जब बेंजीन होगा तो फिर बेंजीन जब पेरेंट चेन होगा तो बेंजीन और साइड चेन होगा तो फिनाइल जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखो इसका नेम करना है अब आपको तो अब COH एच हमारा फंक्शनल ग्रुप है वन फिर इधर आएंगे टू इधर आते तो थीम पे खत्म हो जाता तो इधर में आया तीन और इधर आएगा चार ओके okay? इसको बोलेंगे आप वन डैश तो अब ये पूरा का पूरा हो जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट और इस सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांचिंग के सब्सिट्य uh, के अंदर फर्दर ब्रांचिंग है तो इसका नाम होगा टू पे लगा हुआ है फिनाइल फिनाइल इज अ अब्सिट्युएंट फिनाइल मिथाइल देन चार कार्बन है तो ब्यूटेन और ओ एच है तो ओइक एसिड होगा तो ब्यूटेनोइक एसिड खैर आगे बात करेंगे बेंजीन के बारे में थर्ड पॉइंट पे आते हैं व्हेन थ्री और मोर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच व्हेन थ्री और मोर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू अ ओपन चेन देन स्पेशल सफिक्स इज यूज ओके तो ये कह रहे हैं यहां पर मान लो एक, ये लगा दिया दो और ये लगा दिया तीन तीन या ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप लगे हों कौन से चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप तो उस केस में आप स्पेशल सफिक्स यूज करोगे और उसको यूज करने का एक फिक्स तरीका है ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यूज कर दिया अब आप क्या करोगे इन सीओ एच के कार्बन को काउंट नहीं करोगे तो मैं काउंट करूंगा इधर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन जब भी स्पेशल केस होगा तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं किया जाए तो अब देखिए इसका नाम क्या होगा तो सेवन कार्बन का पेरेंट चेन है तो ये हो जाएगा हेप्टेन। अब सीओ का स्पेशल नेम था कार्बोक्सिलिक एसिड, कहां पे लगा है? टू थ्री एंड सिक्स टू थ्री सिक्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एक और स्पेशल केस होता है अगर रिंग से अगर रिंग से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो चाहे एक ही जुड़ा हो जैसे ये है तो अब यहां पे इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे याद रखो जब भी स्पेशल केस है तो आप कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप का है उसको काउंट नहीं कर पा रहे तो रिंग में भी काउंट नहीं करेंगे तो रिंग में काउंटिंग कैसे होगी जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है ये होगा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स और कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन वन पे लगा हुआ है तो आप बताएंगे नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड ओके okay. ये था स्पेशल केस कब कब आएगा चाहो तो लिख लो यहां पे व्हेन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू

नोट कर लिया हमने आगे लिखें रूल्स फॉर आईयूपीएससी नेम ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड पॉलीफंक्शनल मतलब एक से ज्यादा जहां फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे उनको पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहेंगे सो रूल नंबर वन है व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देन सीनियर फंक्शनल ग्रुप इज सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप व्हाइल अदर फंक्शनल ग्रुप आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट ये तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो तो उनके अंदर में जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसको ट्रीट करना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह और अदर फंक्शनल ग्रुप जो है उनको ट्रीट करना है एज अ सब्सटिटेंट जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें इस कंपाउंड का हमें करना था नेमिंग तो भाई पहले तो देखो फंक्शनल ग्रुप पहचानो तो आपको दिखेगा दैट देर आर टू फंक्शनल ग्रुप्स वन इज एन एच टू एंड सेकेंड वन इज ओ एच अब इन दोनों में सीनियर कौन है तो सीनियोरिटी डिसाइड करने के लिए आपको वापिस टेबल पे आना था दिख रहा था ओ OH एच ऊपर है एनएच टू नीचे ओ एच इज सीनियर तो जो सीनियर है उसका सफिक्स यूज करना है ऑल और जो जूनियर है उसका यूज करना है एज अ प्रस तो अमीनो आ जाएगा इसमें और जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है काउंटिंग वहीं से शुरू होगी तो ये तो नॉन चेन टर्मिनेटिंग है तो इसको नंबर वन देने की जरूरत नहीं है लोएस्ट नंबर देना है तो वन से शुरू करा टू थ्री फोर एंड दिस इज़ फाइव जो क्लोरीन है हेलोजन है वो हमेशा सब्सटीटूएट में लिखते हैं वो कभी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करते वो हमेशा सब्सटीटूएंट है और ये दूसरा NH2, टू ये भी एज अ सब्सटीटेंट होगा अभी बिकॉज जूनियर फंक्शनल ग्रुप है तो अब जरा अरेंज करके लिख दो तो तीन पे लगा हुआ है तीन पे लगा हुआ है क्लोरो फोर पे लगा हुआ है अमीनो एल्फाबेटिकली लिखना है तो एल्फाबेटिकली क्या आएगा पहले अमीनो फिर क्लोरो तो इसका नाम हो जाता है फोर अमीनो थ्री क्लोरो तो तीन चार पांच पांच कार्बन का पेरेंट चेन है तो पेंटेन 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 टू ऑल चलो एक एग्जाम्पल आप करो जल्दी से नाम इसका नाम बताइए राइट the IUPAC name. नेम अब देखें एल्कोहल को एल्कोहल को एज ए प्रिफिक्स क्या लिखते हो हाइड्रोक्सी चलो करो नेमिंग करो सीओ एच सीनियर फंक्शनल ग्रुप है यहां से काउंटिंग शुरू होगी वन ये होगा टू ये होगा तीन चार और पांच और ये ओ OH एच एज अ सब्सिट्यूएंट होगा बिकॉज जूनियर है जूनियर में लिखते हैं इसको हाइड्रॉक्सी तीन पे लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाता है थ्री हाइड्रोक्सी पांच कार्बन है तो पेंटेन और ये नॉर्मल केस है स्पेशल नहीं है तो पेंटेनोइक अब आप कहोगे कि यहाँ पेंटेनोइक का वन क्यों नहीं बताया आपने बिकॉज ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल हमेशा वन पे ही लगेगा तो वन पे अगर लगा है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है चेन टर्मिनेटिंग हमेशा वन पे लगते हैं अनलेस स्पेशल केस हो तो ये हमने देखा एक सीनियर एक जूनियर एक सीनियर दो जूनियर भी हो सकते थे अब सेकेंड पॉइंट सम फंक्शनल ग्रुप सच एज हेलोजें जो कि है फ्लोरो फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन नाइट्रोसो नाइट्रो एंड एलकॉक्सी आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्सटीटूएंट इनको हमेशा हम सब्सटीटूएंट की तरह ही ट्रीट करेंगे कभी इनको हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं कर सकते सो so, जैसे कि क्लोरीन था इसको आप लिखते थे क्लोरो और क्लोरो क्या था ये एक प्रिफिक्स था ओके okay. देन ब्रोमीन को यूज करेंगे ब्रोमो आयोडीन को यूज करेंगे आयोडो फ्लोरीन को यूज करेंगे फ्लोरो एनओ को लिखोगे आप नाइट्रोसो एनओ टू को लिखेंगे आप नाइट्रो याद रखो हमेशा प्रिफिक्स में लिखना है अगर ओ सी एच थ्री होगा तो इसको लिखेंगे एक कार्बन है तो ये मिथॉक्सी है ओ सी एच टू सी एच थ्री है दो कार्बन हो गया तो इसको बोलेंगे इथॉक्सी तो एक जनरल पैटर्न बनता है कि अगर आर हो जाए आर कोई भी कार्बन एट कितने भी हो सकते हैं तो उसको बोलेंगे एलकॉक्सी राइट एक हुआ तो मिथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपॉक्सी ब्यूटॉक्सी इस तरीके से आपको इसमें करना था ओके सो इनको हमेशा आप सब्सटिट्यूंट की तरह ही ट्रीट करेंगे कभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करते नोट करो Then next point. If more than one same chain terminating functional group are present in principal chain in selected during including the functional group and numbering is done from side which gives lowest locant to unsaturation एंड सब्सटीटेंट सो कहिए रहा है दैट अगर एक से ज्यादा सेम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रिंसिपल चेन आप इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप भी हो इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप और नंबरिंग इज डन विच गिव लोएस्ट नंबर टू द अनसेन एंड सब्सटी टूंट लेकिन यह अनसेचुरेशन सब्सिट्यूंट का नंबर आएगा आफ्टर फंक्शनल ग्रुप सबका नंबर फंक्शनल ग्रुप के बाद ही आएगा पहले फंक्शनल ग्रुप अपना देखेगा फिर अनसेचुरेशन अपना देखेगा यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अपना देखेंगे फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन देखेगा अपना वो हो गया तो फिर सब्सिक्युट देखेंगे और फिर उसके बाद अल्फाबेटाइजेशन देखा जाएगा सो मोर देन वन वाला केस बता रहा था मैं अगर मान लीजिए ये हो सीओके और एक यहां डबल बॉन्ड भी लगा दिया अब अगर मैं पूछू यहां पे कि बताओ वॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड और इसका नाम बताना है ओके okay. अगर तीन लगे हुए होते तो बात अलग था अगर दो ही लगे हुए हैं तो मैं इस तरीके से करूंगा नेमिंग सच दैट मेरे को ओ एच पेरेंट चेन में मिले अब ये सी ओ एच और ये सी ओ एच दोनों पेरेंट चेन में होंगे यानी कि ये जो हिस्सा है ये सब्सटीटेंट होगा और ये भी सब्सिट्यूएंट होगा और इस सब्सिट्यूएंट का नाम है मिथाइल इस वाले का नाम है देखो वन डैश और टू डैश दिस इज इथीनाइल ओके okay. अब किधर से काउंटिंग करें यहां भी सब्सिट्यूंट को टू है यहां भी सब्सिट्यूंट को टू है तो ई पहले आता है तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन ये स्पेशल केस नहीं है देख पा रहे हैं हम लोग सीओ एच का, का कार्बन काउंट किया मैंने तो इसका नाम हो जाएगा अब टू इथिनाइल सिक्स मिथाइल हेप्टेन वन कॉमा सेवन डायओिक एसिड इथेनाइल सिक्स मिथाइल हेप्टेन वन कॉमा सेवन डायओिक एसिड इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में हमें दिख रहा है सीओ एच है वो फंक्शनल ग्रुप है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन इधर जाऊंगा मैं अब ये सब्सिटुएंट होगा और ये सब्सिट्यूएंट होगा अब ये जो थ्री पे लगा हुआ सब्सिटुएंट है ये थोड़ा सा अलग है क्यों क्योंकि ये डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है सो दिस इज मिथिनाइल मिथाइल नहीं दिस इज मिथिनाइल और ये है मिथाइल अलकाइलीडीन वाला पैटर्न याद करें डबल बॉन्ड से जब डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो इसका नाम हो जाएगा थ्री थ्री मिथिनाइल सिक्स मिथाइल सेवन कार्बन है पेरेंट चेन में तो हेप्ट सिक्स इन और एल तो ये हो जाएगा six, हेप्ट इन एल या आपको वन लगाना है अगर तो वन नहीं लगाएंगे बिकॉज चेन टर्नेटिंग था तो हेप्ट इन लेकिन यहां देखो डाई ओइक एसिड वाले में बताना पड़ा क्योंकि डाई ओइक है तो कहाँ पे लगे हुए तो वन सेवन आप नहीं लगाओगे सेवन तब भी मेरे को समझ में आएगा कि एक वन होगा एक सेवन होगा बिकॉज ओई केस एड इज अ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एक एग्जाम्पल और देखें इसका क्या नाम होगा राइट द आई यूपीएसई ने थोड़ा सा टिपिकल केस है ये अब इसमें देखिए तो डबल बॉन्ड को आपको मेन चेन में लेना था तो आपने थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन ले अब तीनों को नहीं ले पा रहे देखो एक तो छूटेगा जो थ्री पे छूटा इसका क्या नाम होगा फिर टू पे लगा हुआ ये सब्सिटेंट होगा और सिक्स पे लगा हुआ ये सब्सिटेंट होगा सो so, फाइव मिथिनाइल एंड टू कॉमा सिक्स डाई मिथाइल पेरेंट चेन है सेवन कार्बन का तो ये हो जाएगा हेप्टेन हेप्ट याप्टा वन कॉमा सिक्स डाय इन ई एन ई वन कॉमस सिक्स चलो एक और नेम करो Write the IUPAC name of this compound. ओके सो काउंटिंग शुरू होगी इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओ एच एक सब्सिट्यूएंट की तरह यूज कर रहे हैं आप तो ये होगा हाइड्रोक्सी जूनियर है एनएच टू भी एक सब्सटीट्यूएंट की तरह यूज कर रहे हो तो इसका नाम है अमीनो तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा सिक्स अमीनो फाइव पे लगा हाइड्रोक्सी देन एट कार्बन का है तो ऑक्टेन